मेरे पापा का नाम है निर्मल चंद्र देव और मैं असम कछार सिलचर से हूँ। और पापा का डायबिटीज़ है 27 ईयर्स से, और साथ साथ डायबिटीज़ इतना दिन से तो चल रहा है, और 2020 से उनका डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गया है। और इसके लिए हमने 2021 में लेज़र ऑपरेशन करवाया था ब्लड लीकेज के वजह से, और 2021 में उनका स्ट्रोक भी हुआ था 2021 में स्ट्रोक भी हुआ था। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव भी हुआ है, पर डायबिटिक रेटिनोपैथी ज़्यादा ब्लर विजन ऐसा दे रहा था, इसके कारण तो हमने स्टेम सेल थेरेपी करने के लिए सोचा था, तो अभी स्टेम सेल थेरेपी हो गया है। अभी सर का प्रेजेंट कंडीशन क्या रहता है, लाइक के शुगर लेवल, फास्टिंग एंड पीपी क्या रहता है? फास्टिंग में सर अभी जो जैसा कि चेक करवाया गया है यहाँ पे 285 था जब फर्स्ट चेक करवाया गया था, अभी आज का वाला तो देखे तो 285 है, थोड़ा बढ़ गया था आज तो, कल नॉर्मल था, कल रात नॉर्मल था 121 था, आज थोड़ा बढ़ गया है, तो इसी बट बेसिकली अभी 250-280 के अराउंड रहता है ऐसा ही। एंड कितना इंसुलिन ले रहे हैं आप? अभी आज तो लिया है 24 यूनिट मॉर्निंग में, हाँ अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर, ब्लड शुगर हाँ उसके हिसाब से यूनिट। टोटल कितना लेते हैं आप? ऐसे तो नॉर्मल घर पे जो लेती थी तब वो सुबह 21 लिया जाता था और शाम को रात को 22 लिया जाता था, और अभी जैसे अभी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि कैसे लेना है, कब यूनिट कम आना है, कब इंसुलिन का, वो बोला जैसे गया है वो ऐसे अभी यूज़ कर रहे हैं। एंड अभी सर की विजन कितनी है रेटिनोपैथी होने के बाद? अभी तो बहुत ही ज़्यादा ब्लर विजन है, कुछ तो लेटर्स तो वगैरह वो अल्फाबेट तो कुछ देखते नहीं है, और ऐसे लोग देखते हैं पर जो पढ़ नहीं पा, हाँ विजुअलाइज ऐसे हम लोग को देख रहे हैं पर विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे अगर कुछ पढ़ना हो तो, और लिख नहीं पाते अच्छे तरह से, वो विजन फ्लक्चुएट होता है उसके कारण से लेटर मिस हो जाता है तो लिख नहीं पाते कभी कभी, और कभी कभी हो जाता है वैसा कंडीशन है अभी, और ब्लर विजन तो है ही है। तो स्टेम सेल थेरेपी तो हमने लिया है, देखते हैं क्या होता है। ओके एंड आपको मतलब स्टेम सेल के बारे में कैसे पता चला? थ्रू गूगल, और फिर मैंने बहुत सारा सर्च वर्च किया, पढ़ा उसके बारे में, नॉलेज गेन किया, फिर मैंने स्टेम सेल केयर इंडिया से बात किया है। एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अच्छा है एक्सपीरियंस, नर्सेस भी बहुत अच्छे थे, डॉक्टर्स भी और आप भी तो बहुत अच्छे थे, और हाँ सब कुछ अच्छा ही था, और खाना भी वहाँ का बहुत अच्छा था। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, वेलकम।